हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकेट ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आज आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर अनुराग बासु के बारे में, जो पेशे से एक रियलिटी शो जज, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में एज ए फीचर फिल्म से की थी। उससे पहले ये टेलीविज़न शो डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते थे। इनकी फिल्मों में हमें ज़्यादातर पैशनरी और अडल्ट्री देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने बर्फी जैसी एक बहुत बड़ी सुपरहिट कॉमेडी मूवी भी बनाई है। यह भारत के और बॉलीवुड के उन डायरेक्टर में से आते हैं जो लीग से हटकर एक कल्ट क्लासिक मूवी या अलग ही जोन की मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि संजय लीला भंसाली सर और राजकुमार हिरानी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में साया मूवी से की थी और इन्होंने अपने करियर में जग्गा जासूस, बर्फी और भी इससे बढ़िया बढ़िया मूवीज़ की हैं और इनकी आने वाली मूवी में लूडो शामिल है। आज हम इनकी हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जानेंगे, इनका करियर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इनकी कितनी मूवी हिट, फ्लॉप, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बेल आइकन भी दबा लें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, इन्होंने पहली मूवी की थी साया जॉन अब्राहिम के साथ, जिसका डायरेक्शन किया था अनुराग बासु सर ने। कास्ट में थे जॉन अब्राहिम के साथ तारा शर्मा और ममता चौधरी। मूवी 2003 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कोई खास एक्सपेक्टेशन ना होने के कारण मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर दो, अडल्ट्री मूवी इनकी मर्डर, जो अमेरिकन मूवी का ही हिंदी रीमेक थी। मूवी की स्टार कास्ट में थी इमरान हाशमी, अश्मिता पटेल और मल्लिका शेरावत। मूवी का डायरेक्शन किया था अनुराग बसु ने। मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और शुरू में एवरेज रिस्पांस के बाद मूवी एकदम से सुपरहिट साबित हुई। नंबर तीन, गैंगस्टर, जिसका डायरेक्शन किया था अनुराग बसु ने। कास्ट में थे इमरान हाशमी, कंगना रनौत और शनी आहूजा। कंगना रनौत की यह पहली मूवी थी। मूवी 2006 में रिलीज हुई और हिट साबित हुई। इस मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। नंबर चार, कमिंग ऑफ एज ड्रामा मूवी लाइफ इन ए मैटर, जिसका डायरेक्शन किया अनुराग बसु ने। कास्ट में लंबी स्टार कास्ट थी जिसमें धर्मेंद्र, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, कोकणा सेन शर्मा, इरफान खान, शर्मन जोशी जैसे एक्टर थे और मूवी एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी एवरेज रिस्पॉन्स के बाद भी। नंबर पाँच, काइट्स, जिसका डायरेक्शन किया अनुराग बसु ने। कास्ट में थे ऋतिक रोशन, बाबरा मौरी और कंगना रनौत। मूवी तकरीबन 3 साल में बनकर तैयार हुई थी। मूवी का बजट था तकरीबन 60 से 70 करोड़ और मूवी ने 48 करोड़ का कलेक्शन किया था और कलेक्शन के हिसाब से मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर छः, इनके करियर की हाइस्ट ग्रोसर मूवी और अब तक की इनकी बेस्ट मूवी बर्फी कॉमेडी मूवी थी। मूवी का डायरेक्शन किया था अनुराग बासु सर ने। कास्ट में थे रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डी क्रूज। मूवी एक डी फॉर डम लड़के पर आधारित थी। मूवी 2012 की हाइस्ट ग्रोसर मूवीज में से एक रही और सुपरहिट साबित हुई। नंबर सात, जग्गा जासूस मूवी कम से कम 3 सालों में बनकर तैयार हुई। मूवी का डायरेक्शन किया अनुराग बसु ने। कास्ट में थे रणबीर कपूर, कटरीना कैफ और सौरभ शुक्ला। मूवी एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई और सबसे ज़्यादा घाटा देने वाली मूवी भी इनकी साबित हुई। नंबर आठ, इनकी आने वाली मूवी लूडो, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं अनुराग बसु। कास्ट में अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, सान्या मल्होत्रा, फातिमा साना शेख। आप हमें कमेंट करके बताएं मूवी कैसी होने वाली है। नंबर नौ, इन्होंने एक और मूवी की अनाउंसमेंट की है। मूवी का नाम मूवी होने वाली है लाइफ इन ए मेट्रो का सीक्वल। मूवी का नाम देखते हैं क्या रखा जाएगा। मूवी की स्टार कास्ट में होंगे अनुराग बासु और फातिमा साना शेख। मूवी जीवन की परिस्थितियों पर या यूं कहें कि कॉमेडी तो नहीं कह सकते, ड्रामा पर आधारित होने वाली है। मूवी का वो कर रहे हैं अनुराग बासु। मूवी 2021 में हमें प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं यह मूवी आपके हिसाब से कैसी होने वाली है। बात करें एक और मूवी की तो इन्होंने कंगना रनौत के साथ एमएली नाम की एक मूवी भी साइन की है जिसमें ये डायरेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। यह मूवी कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होगी। अभी तक इसकी बाकी स्टार कास्ट का नाम फाइनल नहीं हुआ है और इसमें अभी तक अनुराग बासु और कंगना रनौत का ही नाम फाइनल है। यह मूवी भी हमें 2021 में बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर देखने को मिलेगी। तो ये थी अनुराग बासु सर का कंप्लीट करियर एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।